नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। पिछले इसी साल जनवरी में सरकार ने एक नोटिस निकाला था सरकारी सेवकों के लिए कि अगर एक बार आप बिहार के सरकारी सेवा में आ जाते हैं, नौकरी में आ जाते हैं, तो आप कोई भी परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में मात्र 3 बार ही भाग ले सकते हैं, चाहे वो अलग अलग आयोग ही क्यों ना हो। लेकिन आज कैबिनेट बैठा और मुख्यमंत्री भी थे कैबिनेट में, और निर्णय लिया गया कि अब 5 मौके दिए जाएंगे। और सरकारी सेवा में रहने के बाद जो 5 वर्ष की छूट मिलती थी वह भी जारी रहेगी। आप सबसे पहले नोटिस देखिए जो कैबिनेट में आज पास किया गया है, जिसमें दिया गया है कि सरकारी सेवकों के लिए जो चांस हैं, मौके हैं, उसको लेकर, और इसके बाद सरकार के द्वारा जो है, सरकार जो के सिद्धार्थ हैं, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव हैं, उनके द्वारा पीसी किया गया और विस्तार से इसके बारे में बताया गया। सुनिए। दूसरा सामान्य प्रशासन विभाग है, जिसमें आपको सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अवसर की सीमाएं बढ़ाई गई हैं। मैं जो प्रस्ताव है मैं पढ़ देता हूं, जिस पर स्वीकृति दी है, ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ये बेसिकली जो बिहार सरकार के सरकारी सेवक जो सेवा में आ जाते हैं, सरकारी सेवा में, उनसे उनके लिए ये महत्वपूर्ण निर्णय है। और मैं बस पढ़ लेता था प्रस्ताव, इसलिए क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति नहीं हो। बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में प्रत्येक आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे। पहले कम थे, इसको बढ़ा के 5 हो गया है। उपरोक्त निर्धारित 5 अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारंभ होगी। पूर्व में उपभोग किए कर लिए गए अवसरों की एतद अपेक्षा की जाएगी। बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट पूर्ववत अनुमानीय रहेगी। प्रतिभुक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमान तभी जी जा सकेगी जब उनके द्वारा तब तक अधिकतम 5 अवसरों का उपयोग नहीं किया गया हो। तो ये बिल्कुल, यह मैंने पढ़ दिया है प्रस्ताव, और इसी प्रस्ताव के आलोक में, और विशेषकर ये लाभ होगा जो ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकारी सरकार बिहार सरकार में नौकरी पाने के पश्चात विभिन्न परीक्षाएं लिखते हैं, उनके लिए यह लाभ होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है। अभी तक कितना था? पहले 3 था। पहले 3 था। इसमें कॉन्ट्रैक्ट वाले भी आएंगे क्या? वो तो सरकारी सेवा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट सेवा है ना, ये तो मैं रेगुलर सरकारी सेवा बोल रहा हूँ। 5 वर्ष की छूट अब कितना हो जाएगा? 5 वर्ष, पहले 5 वर्ष ही था, पहले 5 था, अभी भी 5 है, अवसर 3 था केवल, ठीक है, 3 को बढ़ा के 5 किया गया। मैं इसलिए पढ़ दिया हूँ ताकि कंफ्यूजन की स्थिति नहीं। तो जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने विस्तृत रूप से बताया, लेकिन एक चीज क्लियर नहीं कर पाए, या फिर इस पर क्लियरेंस जरूरी है। हो सकता है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा बाद में जब इसको लेकर नोटिस जारी किया जाए तो क्लियर हो जाएगा कि हर एक जो दिया गया है सेवा, जैसे कि बिहार लोक सेवा आयोग है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग है, BSSC है, इनमें हर एक में 5-5 मिलेगा या सारा जोड़ के 5 मिलेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि पहले 3 मौके थे, इसे बढ़ाकर 5 किया गया है, यानी कि आप इन आयोगों में कुल मिलाकर 5 बार एग्जाम दे सकते हैं। पहले 3 बार था, ये 2 का छूट आज दिया गया है सरकार के द्वारा। कैबिनेट ने अब ये कह दिया है कि जो भी नौकरी में है, नौकरी में आने के बाद वो 5 बार ही परीक्षा को दे सकते हैं, और क्लियरेंस इसका होगा जब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा इस पर विस्तृत नोटिस जारी की जाएगी। हालांकि आपने सुना कि उन्होंने कहा कि पहले 3 था, उसे 5 कर दिया गया है, लेकिन अलग अलग कहा गया है 5 मौके, उस पर थोड़ा कन्फ्यूजन है। आशा करते हैं कि इसको भी क्लियर कर दिया जाएगा। तो फिलहाल
इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।